तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं कि अर्टिगा वर्सेस ट्राइबर के बारे में। वेल, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक महीने पहले ही हमने ये वीडियो अपलोड की थी अर्टिगा वर्सेस ट्राइबर की, तो ये जो है दोबारा से वीडियो क्यों अपलोड की जा रही है। उसका भैया सीधा सा जवाब है कि एक महीने पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो जो है अर्टिगा VXi और ट्राइबर के टॉप मॉडल पे कंपैरिजन हमने किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं कि अर्टिगा टॉप वेरिएंट ZXi+ और जो है ट्राइबर का टॉप वेरिएंट RX-Z का कंपैरिजन देखने वाले आज की इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और लगे सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो के लिए। खैर, वीडियो को शुरू करते हैं। ये वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी हम अगर कंपैरिजन किसी गाड़ी को कर रहे हैं तो उसके डायमेंशन को भी साथ में कंपेयर कर ही लेते हैं। जहां पर जो है अर्टिगा की जो है लेंथ है करीब 4395 mm, वहीं पर ट्राइबर की लेंथ है करीब 3990 mm, यानी कि करीब 4 मीटर के अंदर। विड्थ की बात करें तो वहां पर जो है ट्राइबर की विड्थ है करीब 1739 mm, वहीं पर जो है अर्टिगा की विड्थ है करीब 1735 mm। हाइट की बात करें तो 1633 है ट्राइबर की और जो है अर्टिगा की हाइट है करीब 1690 mm। बात करें इनके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो अर्टिगा जो है 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रखती है, वहीं पर जो है ट्राइबर जो है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रखती है। अगर बात करेंगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो इससे अंदाजा आ जाए कि ये जो गाड़ी कितनी रेंज दे पाएंगी। मोटा मोटी ड्राइवर जो है 40 लीटर की और जो है अर्टिगा 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है और माइलेज जो है वो करीब अर्टिगा 20 का कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में और 26 का क्लेम करती है करीब CNG में। लेकिन ड्राइवर में कोई CNG का ऑप्शन नहीं है और पेट्रोल में जो है 19 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने वो वाली पिछली वाली वीडियो में भी ये सारी चीजें सुन रखी थी। अब इसमें नया क्या आया है, नया ये आया है कि ये वाला पर्टिकुलर जो वीडियो रहेगा वो हमारा ZXi जो अर्टिगा रहेगी उसके साथ जो है ट्राइबर का टॉप मॉडल कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मोटा मोटी देख लेते हैं कि वो कौन से फीचर है जो आपको अर्टिगा में देखने को मिल जाते हैं लेकिन ड्राइवर में देखने को नहीं मिलते। तो ऐसा है, आपको डैशबोर्ड में वुडन की फिनिश जो आपको देखने को मिल जाती है अर्टिगा में, लेकिन जो है ड्राइवर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर दूसरी बात करें तो फ्रंट फॉग लैंप जो है अर्टिगा में आपको मिल जाता है, ड्राइवर में नहीं मिल पाता। अगर बात करें इंटीरियर में तो ऑटो AC जो है अर्टिगा में देखने को मिलता है, वो ड्राइवर में देखने को नहीं मिलता। कुछ और भी ऐसे फीचर थे लेकिन अब जो है ड्राइवर में सुधार हो चुके हैं। फिर भी मैं गिना देता हूँ, जैसे कि पहले जो है इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं था ड्राइवर में जो अर्टिगा में दिया हुआ था। और दूसरा फीचर है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, लेकिन अब जो है ये दोनों ही फीचर जो है हाइट एडजस्टमेंट और जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है अब ड्राइवर में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसको जो है ना गिनाना कोई वो वाली बात हो जाएंगी। खैर, अब ऐसे फीचर की बात करते हैं जो आपको ड्राइवर में जो है देखने को मिल जाता है लेकिन जो अर्टिगा में देखने को नहीं मिल जाता। लास्ट रो की जो है इजी फिक्स सीट जो है रेनर के द्वारा दी जाती है जो आपको अर्टिगा में नहीं मिल पाती। रेनर का स्मार्ट कार जिसको जो है आप दूर से ही जो है ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है मारुति की अर्टिगा में आपको नहीं मिलता। नॉर्मल कीलेस एंट्री ही आपको उसमें मिलती है। और दूसरी चीज है कि रेनल्ट के द्वारा जो है इसमें आगे की साइड जो है DRL देखने को मिल जाती है, यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट भी देखने को मिल जाती है और अर्टिगा में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इंजन की बात जो है मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसके लिए उसको जो है इसमें जो है खामखा घुसड़ कर उसमें जो है आपका ज्यादातर टाइम मुझे नहीं लेना, इसलिए ये जो है मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं की है। फिर भी मोटा मोटी बात कर ले तो अर्टिगा में जो है आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डुअल जेट जो है पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है और वहीं पर जो है ड्राइवर में आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है 1000 cc का। और इन सभी चीजों के अलावा जो है आपको ड्राइवर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जबकि आपको जो है अर्टिगा में एनालॉग मिलता है, लेकिन उसके बीच में जो है TFT HD डिस्प्ले मिल जाती है जो ड्राइवर में नहीं है। और इन सभी चीजों के अलावा जो है ड्राइवर के इंटीरियर में जो है आपको एक एक्स्ट्रा ग्लव बॉक्स यानी कि अपर ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जो अर्टिगा में अवेलेबल नहीं है। इनके अलावा भी सेंटर जो आर्मरेस्ट रहता है वहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस है, वहाँ पर उसके साथ में जो है वो कूल्ड भी है, जो ऐसा कुछ अर्टिगा में नहीं है। अर्टिगा में कप होल्डर कूल्ड मिलते है। बाकी फैसला आपका है, मैंने दोनों गाड़ियों के बारे में जो भी डिटेल तो नहीं बता सकते आप, मोटा मोटी जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वो लगे सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और वीडियो के लिए। और हाँ, वीडियो में जो है काफी ज्यादा कसर रहेगी होगी मैं भी मानता हूँ, लेकिन यार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना क्योंकि कम से कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की पूरी कोशिश की है।